मिलियन डॉलर डील है आज। 1 मिलियन डॉलर गांधी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी कॉन्फिडेंट, जो आपसे क्वेश्चन किया जाए हाँ तो आईज कॉन्टेक्ट करके, आई कॉन्टेक्ट करके और विदाउट नर्वस हाँ जस्ट गिव हिम द आंसर। एक्सक्यूज मी, आप ग्रुप में हो, फ्रेंड्स हो या कजन्स? अच्छा नाम क्या आपका? प्रिशिता। प्रिशिता, अच्छा जो भी, ओके। आपका? खुशी। ओके, एक्चुअली आई एम गेटिंग लेट फॉर माई जॉब इंटरव्यू। मैं ना ड्रेसअप हुआ था, एक बटन भी टूटा हुआ था, वो मैंने जैसे तैसे करके लगवा लिया, तो ना मुझे थोड़ी हेजिटेट हो रही थी। क्या आपको टाई बांधना आता है? एक्चुअली ना मैं आई एम गेटिंग लेट फॉर माई इंटरव्यू, तो अभी मेरी कैब आ रही है बाहर से, तो एक्चुअली मेरे को ना, मैं ड्रेसअप हूँ ऑलरेडी, मेरे पास एक बटन टूट गया था, मैंने लगवा लिया। मेरे को टाई बांधना नहीं आता, क्या आपको टाई बांधना आता है? आप बांध सकते हैं? हाँ, ओके, थैंक्स। हाँ, मुझे टाई बांधना नहीं आता, आप में से आता है किसी को? लाइक आप बांध सकते हो टाई? आता है? ओके, बचपन में बांधी आपने, तो आप सही से बांध दोगे, तो आप ये बांध सकते हैं प्लीज़। बांधी वैसे टाई से पहले? नहीं, स्कूल में भी नहीं। यूनिफॉर्म भी थी स्कूल में? थी तो, पर मम्मा करती थी ऐसा। इट लुक्स लाइक बिल्कुल अमिताभ बच्चन वाला सीन। आपने बांधी नहीं कभी? कुछ ऑप्शन निकाल देंगे, मेरी 1 मिलियन डॉलर डील है आज। अच्छा, 1 मिलियन डॉलर बांधी तो करते अभी तो आपने कहा था आती है। ट्राई करने में क्या चाहता है? ट्राई मेरे को वो फायर कर देंगे वो वहाँ से। छोटी है, तू भी ऊपर। साइज छोटा आएगा, साइज छोटा आएगा, छोटी नहीं, नॉर्मल तो बांधो आप। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? रुको। अच्छा आपने बांधी है वैसे बचपन में? हाँ, स्कूल जाते वक्त। अच्छा स्कूल जाते वक्त ज्यादा वियर्ड तो नहीं लगूंगा मैं अगर? नहीं, नहीं। वैसे ओवरऑल ठीक है। आप लाइक कैन यू गिव मी सम टिप्स एज वेल के मतलब हाउ कैन आई प्रेजेंट माय सेल्फ? कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, आई एम गेटिंग, आई एम फीलिंग वेरी नर्वस। बट जैसे तुम्हारे पापा का कुछ मोटा बिजनेस है, लाइक अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो मैं आपके पास आ सकूं जॉब के लिए? हमें नहीं मिल रही सर, हमें कॉलेज भी नहीं मिल रहा, सब बेरोजगार है। मैं बहुत टाइम से बेरोजगार था, मुझे इतने धक्के खाने के बाद एक कंपनी में मेरा थोड़ा सा ठीक है, चलो हो गया काम। ओवरऑल सही लग रहा हूँ। हाँ, यार थोड़ा सा टिप्स दे सकते हो मेरे को? लाइक मैं पहला इंटरव्यू में जा रहा हूँ, कोट ले सकते हो अगर आपके पास है? नॉट पहनावा, जस्ट एटीट्यूड। बी यू, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। अच्छा बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कितने इंटरव्यू क्रैक कर रहे हैं। नहीं, कर रखे हैं मैंने। अच्छा कौन से? अच्छा ओके, वो तो बहुत सारे करेगा, उनको तो एडमिशन सही होता है। ओके, तो मुझे कुछ दे सकते हो कार्ड, विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड वगैरह की? अगर ना लगे जॉब आपके पास आ जाऊँ मैं और आप मुझे काम पे रख लो, अपना पीएन वगैरह, वो गाड़ी साफ करने वाला। चलो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके लिए आप मुझे काफ़ी स्वीट भी लगे दोनों, तो मुझे हेजिटेट नहीं हुआ इसलिए मैं आया आपके पास। करते क्या हो वैसे आप? अच्छा आपका कोई फैमिली बिजनेस वगैरह है? बिकॉज अगर इन केस मेरा वहाँ पे नहीं होता तो मैं आपके पास आ जाऊँ जॉब जॉब के लिए। मैं बहुत टाइम से बेरो मैं हाँ जी अच्छा वो भी कहीं ना कहीं काम ही करते हैं। मैं बहुत टाइम से एक्चुअली बेला था, मतलब बेरोजगार था, तो काफ़ी धक्के खाने के बाद मेरा एक इंटरव्यू क्रैक, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। अच्छा हो जाएगा, और मैं काफ़ी ना आज नर्वस भी हो रहा हूँ। वैसे आप क्या करते हैं? जा रहे हैं आप जो मेरे जॉब, काफ़ी टाइम से मैं नल्ला था, बेरोजगार था। अच्छा। तो आज काफ़ी टाइम बाद मेरे को एक जॉब ऑफर हुआ, मतलब एज एन इंटरव्यू के लिए। ओके, तो या तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है जो पूरा बेस्ट लगे, बेस्ट पड़े। हाँ, आपका किस चीज़ का काम है? आई मीन ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम है, टैक्सी जो हायर पे देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। हाँ मतलब इट बी, तो मतलब आप कितने वक्त से कर रहे हैं? आप
बिजनेस कितने टाइम से हो रहा है? मेरा हो गया इट्स मोर देन 20 इयर्स. 20 इयर्स? अच्छा. मेरे पेरेंट का बिजनेस था फादर का. हां हां. मैंने ज्वाइन किया हुआ 20 साल से ऊपर. 20 साल से? अच्छा. करंटली कंपनी भी. हां हां. ओके. तो अब ये सही लग रही है? ये थोड़ा सा और करेंगे कुछ? थोड़ा सा इसको नॉट को टाइट करना होगा. हां, नॉट को. मतलब अगर आप कुछ भी एडवाइस देना चाहें तो कुछ देंगे मेरे को? क्योंकि मैं तो बहुत नर्वस हो रहा हूँ. मैंने कभी ऐसे इतने ज़्यादा इंटरव्यूज दिए नहीं है या कॉर्पोरेट्स के लोगों से ज़्यादा बैठा नहीं हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी कॉन्फिडेंट. हाँ हाँ. जो आपसे क्वेश्चन किया जाए, हाँ, तो आई कॉन्टैक्ट करके विदाउट नर्वस. हाँ हाँ. जस्ट गिव इन द आंसर व्हाटएवर इन योर माइंड और व्हाटएवर कम्स इन योर. अच्छा. सारा खेल आपके कॉन्फिडेंस का है कि किस तरह से आप अपेयर होते हो, किस तरह से आप वॉक कर आ रहे हो. तो मतलब मैं जाऊं उनके कैबिन में घुसूं तो सीधा हाय माय नेम इज हिमांशु या इस तरीके से? ठीक है. तो मतलब ऐसा थोड़ा सा एटीट्यूड तो नहीं चल? नॉट एटीट्यूड, बट यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल लाइक यू ड्रेस अप. अच्छा. सेम लाइक इन योर वे ऑफ टॉकिंग, किस तरह से आप बात कर रहे हो, किस तरह से आप उनको आंसर दे रहे हो. इट शुड रिफ्लेक्ट योर कॉन्फिडेंस. जो okay. भी आप बात कर रहे हो तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए. ये नहीं कि कोई सर पैर के बगैर आपने कोई बात बोला तो आंसर कुछ दे रहे हो. राइट. ओवरऑल लाइक मेरे को लग रहा है मेरे लाइफ में ना कुछ हो नहीं पा रहा. लाइक क्या आप कुछ कहना चाहेंगे कि हाउ डिसिप्लिन से रिलेटेड या व्हाटएवर यू, मतलब जो आपने अप्लाई किया और आपके लिए काम कर गया हो? मेरे को जो अप्लाई किया है वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने करियर पे किया. जो मैंने अपना अभी तक का जो मेरा बिजनेस का वो दौर है वो ये है कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम एंड डिसिप्लिन. डिसिप्लिन लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. हाँ हाँ. कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, हाँ, तो टाइम इट्स वेरी मैटर कि आप सुबह टाइम पे नहीं जा रहे तो आप किस तरह से आप बाकी स्टाफ कैसे आए. मतलब ओवरऑल चीज़ ये जो भी कंडक्ट कर रहा हूँ वो एकदम टाइम पे और... होना चाहिए. इवन इफ यू कमिट योर क्लाइंट और किसी को भी तो वो चीज़ होना चाहिए और यू शुड बी स्टैंड बाय. अच्छा. आज हो जाएगा लेकिन वो फॉलो कर रहा है, आप कल कर दूंगा सर, परसों कर दूंगा. प्रोक्रेस्टिनेट ना करूं, काम टालना, कल टालना, तो टालना वो ना... आपका गुडविल खराब करेगा. वो दोबारा बंदा लौट के नहीं आएगा. आपको जो है अपनी वर्ड्स पे बहुत ज्यादा करना है. थोड़ा लेजी हो जाता हूं. लाइक अगर मैं डिसिप्लिन में रहता हूं तो ठीक है, जब तक डिसिप्लिन फॉलो हो रहा था डिसिप्लिन फॉलो होगा. थोड़ा सा भी अगर ढील देता हूं तो वो पूरा ढील में चला जाता है मामला. तो ऐसा होता है मेरे साथ में अब तक होता आया. हाँ, बट ठीक है, थैंक यू सो मच. अभी ओवरऑल ड्रेस तब ठीक लग रहा है. स्मार्ट. या आई एम स्मार्ट एज यूजुअल. या ठीक है. तो थैंक यू सो मच आपके फेवर के लिए, आपके हेल्प के लिए. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच. विश मी लक जो हो जाए उसके लिए. बट थैंक यू सो मच फॉर. ओके, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड. हाँ, यस, आप होकर आ जाइए अपना इंटरव्यू. हाँ, वो आज है, अभी कुछ टाइम लगेगा. आ जाइए. हाँ, इन केस अगर आपकी बात नहीं बनती तो जस्ट कम टू मी एंड आई विल गिव यू माय कार्ड. ओके, तो आप ये कार्ड रख लीजिए. Just give me a call. We will meet and sit together in my office. Okay. Let's see how can I help you. Okay. तो मतलब अगर मेरा job नहीं लगता. नहीं लगता, in case. तो आप मेरे को call कर लीजिए. आप अपनी company में अपने job provide करा सकते हैं. Okay. That's so kind of you. Thank you so much. You are very generous. Thank you. ठीक है.